हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक बालों को स्मूथ और सिल्की बनाने के लिए एक उपाय बताऊंगी, जो कि बहुत मतलब घर का उपाय है। उसके लिए कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक नारियल का तेल चाहिए और शहद चाहिए, जो कि कोई भी ब्रांड का हो सकता है। मैंने पतंजलि शहद लिया है, और दो केले चाहिए, दो कटोरियाँ चाहिए, एक चम्मच चाहिए और एक सिल्क क्लॉथ चाहिए। ओके, सो वी हैव टू मेक द सीरम फॉर दिस। नाउ स्टार्ट। पहले उस क्लॉथ के अंदर इतने सारे बनानास भर दो, और फिर उस क्लॉथ को उस कटोरी के ऊपर रखिए। फिर उसका जूस निकालना है हमें। देखिए, मैंने इसका जूस निकाल लिया है। अब हमें पहले सबसे पहले अब दो स्पून ऑयल का चाहिए होगा और दो स्पून हनी का चाहिए होगा। ओके, सो लेट्स सी। देखिए, मैंने इस दोनों को मर्ज कर लिया है, बनाना जूस दोनों को। अब हम इसका मिक्सचप बनाएंगे। अब देखो, ये ज़्यादा अब लग रहा है, हमने बना दिया है। अब पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसके लिए बाल सुलझाने होंगे, और उसके बाद में इसको अप्लाई करना होगा। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी, आप 2 मिनट रुकिए। Thank you.
जब वॉश करना है, जब आप मतलब आपको ये वॉश करना है सिर्फ शैम्पू से, वो भी जिस रेगुलर शैम्पू से, जिस शैम्पू में, जिस शैम्पू से आप रोज़ सर वॉश करते हैं, हेड वॉश करते हैं, और इसके अंदर कोई भी तरह का कंडीशनर नहीं लगाना है क्योंकि ये खुद ही एक कंडीशनर है। ओके सो आप एक घंटे के लिए पहले इसको अप्लाई करके रखिए। अभी 11 बजे है मेरे लिए, तो मैं अपने लिए 11 बजे से 12 बजे तक इसको अप्लाई करके रखूँगी। उसके बाद में जब 12 बज जाएंगे तो मैं इसे वॉश कर लूँगी, और वॉश करने के बाद फिर बाद में आप देख सकते हैं इसका नतीजा क्या होगा। वाओ, मैं आप देख सकते हैं खुद कि मेरे हेयर्स जो है कितने स्मूथ और सिल्की हो चुके हैं। आप अपना मतलब इतने सिल्की हो चुके हैं आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। सो अब आपको मेरे पर प्रूफ होएगी होगा क्योंकि मैंने अपने बालों पे खुद ने मतलब ट्राई किया था। सो मैंने तो अभी तक मीन्स कंघा भी नहीं पाया और ये एकदम सुलझे हुए आए, फिर भी मतलब कितना डिफरेंस होता है जब हम सिंपल हेयर्स और इससे हम ऐसे बन बैठे बैठे भी कोई हेयर स्टाइल बना सकते हैं। सो आप भी ये बार वीडियो ट्राई कीजिए अपने ऊपर, आपके बालों में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा जरूर। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक ऑन माई वीडियो एंड शेयर आल्सो।